हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही थी पनीर मक्खन वाला, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ रेसिपी भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए है दो टमाटर और दो प्याज, इनको फाइनली अभी मैं चॉप कर लेती हूँ, फिर हम इनको कढ़ाई में फ्राई करके मिक्स करेंगे, मिक्सी में चलाएंगे। पहले हम इनको कटिंग कर लेते हैं। तो पनीर मक्खन वाला बेसिकली एकदम स्वीट सब्जी होती है, तो जिन जो लोगों को भी बाहर की पनीर मक्खन वाला खाने का बहुत शौक है, तो अब आप लोग मेरी रेसिपी देख के अब आप लोग घर पे भी बना सकते हो। बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, अब मैं कर रही हूँ गैस चालू। थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल, पहले हम टमाटर और प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर उन्हें ठंडा होने रखेंगे, फिर हम मिक्सी में उनको ग्राइंड करेंगे। तो मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल, ये वाला चम्मच था बड़ा वाला, तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। अगर आपके पास छोटी चम्मच है या कटोरी का नाप ले रहे हो तो आधी कटोरी डाल लो और वही ऑयल रिड्यूस कर लो सब्जी बनाते टाइम। अभी अब जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम हरी मिर्च निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी में ना थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा है ना मिर्ची की नेस आनी चाहिए, क्योंकि तभी सब्जी और अच्छी बनती है। और पनीर मक्खन वाला के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास पनीर मक्खन वाला का मसाला। तो मैं बेसिकली सुहाना का पनीर मक्खन वाला इस्तेमाल कर रही हूँ मसाला। अगर आपके पास रेडीमेड है, या मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास घर का बनाया हुआ है तब तो और भी अच्छी बात है, अब घर का बनाया हुआ यूज़ कीजिएगा। मैं रेडीमेड डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी बनाना है। तो अब हम ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम सारे कटी हुई प्याज। मैंने दो बड़े प्याज लिए थे, दो बड़े प्याज को मैंने चॉप करके अभी उसमें उनको मैंने गर्म ऑयल में डाल दिया। अब जब तक ये फ्राई होंगे मैं टमाटर इसमें, जब तक ऑनियन ब्राउन हो जाएगा फिर मैं उसमें टमाटर डालूंगी। और जैसे ही टमाटर हल्का सा मतलब 10% को गलने लग जाए ना 10%, तब आप गैस बंद कर दीजिएगा और उसे ठंडा होने रख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कर दिया गैस ऑन और ये मैंने मिक्सी में टमाटर प्याज जो हमने फ्राई किए थे वो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए, कुछ ऐसा कलर आया। अभी हम इसको डालने से पहले हमारे हल्दी और मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च, मिलाएंगे। जो हींग थी वो भी डाल देंगे। तेल डालोगे वैसे ही गर्म होते ही आपको लाल मिर्च और हल्दी डाल देंगे। अब हम डाल देंगे अपनी ग्रेवी। यहाँ पे मम्मी पनीर काट रही है, मेरी हेल्प कर रही है। मैं पानी देना थोड़ा सा। ग्रेवी को मिक्स करेंगे सब मसालों के साथ। और मेरे पास ये रहा पनीर मक्खन वाला का मसाला सुहाना का, बचा कुछ ग्रेवी भी डाल देंगे पानी मिला के थोड़ा सा, और इसमें ऊपर से पानी थोड़ा सा ही ऐड करना, ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब हम डालेंगे पनीर मक्खन वाला मसाला। तो मैं बेसिकली अंदाजे से डाल रही हूँ, आप 4 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ पैकेट से। नहीं।
इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है। जब डल्ले रहे मसालों के होंगे ना तो ग्रेवी में उसको मिक्स कर लेना अच्छे से ताकि डल्ले ना रह जाए मसालों के। क्या बोल रहे पापा? सूप अब हम इसमें डालेंगे अमूल फ्रेश पनीर क्रीम। अरे पनीर क्रीम बोल रही, मेरा ना आधा दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देता है, ये लोग पीछे से ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं ना मेरे को। अभी हम डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम, ये भी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आपको जितना मीठा पसंद है उतना डालिए, पर जब तक ग्रेवी में मिठास नहीं आएगी ना तब तक वो पनीर मक्खन वाला सब्जी लगेगी नहीं, तो हो सके तो थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा पनीर ये क्रीम सॉरी। मेरे पास आधा डब्बा था तो मैंने आधा डब्बा पूरा डाल दिया। अभी इसमें थोड़ा सा और है, इसको भी एकदम मैश निचोड़ के साले को अच्छी तरह से लपेट देंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरी ग्रेवी का कलर कैसा आया है। अभी मैंने पनीर, मम्मी ने पनीर चॉप करके रख दिया था, पनीर भी हम डाल देंगे इसी में। थोड़ा सा ऊपर अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल दो, बट मैं बोलूंगी आप लोग हरा धनिया अवॉइड करके थोड़ी सी कसूरी मेथी डालोगे तो कसूरी मेथी का फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो अभी मैं लाती हूँ कसूरी मेथी। आपको जितनी कसूरी मेथी पसंद हो ना लिमिट में डालना। मैंने दो पिंच डाली है, पीछे से आवाज दे रही है, डाल दे ठोक दे। ये हो गया, अभी हम डालेंगे थोड़ी सी शक्कर। कभी ना डाला करेंगे डाला। सब माय सब्जी इज रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सब्जी का कलर। देखिए पनीर बटर मसाला रेडी। थोड़ा सा ग्रेवी को और पकने देंगे जब तक ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ग्रेवी को और चलाते हुए पनीर मैंने डाल दिया, सब डाल दिया मम्मी, सब डाल दिया। साइड साइड से जो लग रहा है उसे भी हटाते रहेंगे दोस्तों। जैसे मेरी सब्जी ऑलमोस्ट 5 मिनट में इसको और पकने दूंगी पनीर डालने के बाद। 5 मिनट बाद गैस जब ऑफ करोगे ऊपर से थोड़ा सा घी डाल लेना, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मेरी पनीर बटर मसाला रेडी हो जाए तब मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी का फाइनल लुक। हाँ ये आप सोच रहे हो ये मैंने क्या डाला है, मेरी सब्जी बन चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी है और ऊपर से मैंने डाल दिया घी। तो मेरी सब्जी बनके तैयार है, आप लोग भी अपने घर में बनाइए और मेरी रेसिपी शेयर कीजिए। आज मैं जल्दबाजी में ना पनीर मक्खन वालों को कभी बटर मसाला बोल रही हूँ, कभी क्रीम अमूल फ्रेश क्रीम को कभी पनीर बोल रही हूँ, जल्दबाजी में हूँ ना। तो ये सब्जी बेसिकली मैंने बिट्टू के लिए बनाई है, वो लोग खाने वाले हैं। वैसे घर में आज बनी है पानी पूरी, तो मैं तो पानी पूरी खाऊंगी दबा के, रोटी सब्जी तो कल खा लेंगे। तो ये तो सारी मैं उसको टिफिन में पैक करके दूंगी। और मैंने आज रेसिपी शेयर की आप लोग को, कैसी आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रौनक अग्रवाल व्लॉग। और जो लोग इस चैनल पे अभी तक नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग अभी जाके पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और मेरी नई रेसिपी ट्राई करना ज़रूर मत भूलना।